सभी साथियों को जय भीम नमो बुधाय। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मैं आप सबको मंगल कामनाएं देती हूँ। स्वच्छकार समाज की आवाज यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। हमारे साथ आज की चर्चा में है प्रोफेसर धर्मपाल पिहाल, माननीय कृष्ण आनंद जी, बंते डॉक्टर चंद्र कीर्ति जी, अर्चना मैम और करुणा बोधी जी। आप सबका मैं यूट्यूब चैनल में स्वच्छकार समाज की आवाज पे स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा विषय है वो है आज के बुद्ध पूर्णिमा के महत्व पर, सिग्निफिकेंस ऑफ बुद्ध पूर्णिमा। हम सब जानते हैं, मेरे तमाम दर्शक है जो आज इसको लाइव सुन रहे हैं, त्रिविध बुद्ध पूर्णिमा है जिसमें जन्म, ज्ञान और मृत्यु तीनों एक ही दिन आज के दिन हुआ था। तो चर्चा पे आते हुए मैं सबसे पहले अर्चना गौतम जी से बुद्ध वंदना के रूप में निवेदन करती हूँ। अर्चना जी जी, सभी लोग अपने हाथ जोड़ लीजिए। वंते जी, वंते जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। नहीं, एक मिनट, एक मिनट। कौशल जी, कौशल, कैन यू हियर मी? जी बिल्कुल, सबकी आवाज सुनाई दे रही है। क्योंकि अपने बीच में भिक्षु संघ मौजूद है, इसमें हाँ, प्रोटोकॉल के हिसाब से बुद्ध वंदना जब कभी होती है तो भिक्षु करवाते हैं उसको, तो हाँ, चंद्र कीर्ति जी से रिक्वेस्ट करिए करवाएं बुद्ध वंदना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं माफी भी मांग लेती हूँ। हाँ, वो पहले होना चाहिए। स्त्री होने के नाते स्त्री की तरफ ध्यान जाना स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। बंते जी, बंते जी, मैं बंते जी से निवेदन करती हूँ। बंते चंद्र कीर्ति जी जो सीनियर भी है, डॉक्टर बंते चंद्र कीर्ति जी, बुद्ध वंदना की तो सबसे पहले वंदना करनी पड़ेगी। उसके बाद आप तीन उपासक लोग यहाँ है, दो उपासक और एक उपास, दो उपासिका है। तो सबसे पहले त्रिशव मंसिर, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। 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 पहले 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 भंते जी को बोलने दीजिए, फिर हम लोग रिपीट करेंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, तीर्थं पिबुद्धं शरणं गच्छामि, तुतीयं पिबुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयं पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयं पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयं पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयं पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयं पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयं पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयं पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयं पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयं पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयं पि संघं शरणं गच्छामि, पि शरणगमनं निखितं आं वन्ते
अनातिपाता वैरमणीय सिक्खापदं समादियामि कामे सुमिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि पूरा मेरयम जपमादठाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरयम जपमादठाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि इमाने पञ्चसिक पदानि सील न सुगति अन्ते सील न भोग संपदा सील न निवृत्ति यन्ति तस्मा सीलं विशोधयेति साधु 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 तस भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमः तस भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमः तस एतो भगवा अरहं सम्बुद्धो चरणसम्पन्नो सुगतो लोकवितो बुद्धो भगवा तातो भगवता पदमो संदेहो आकाशिको एतिपादितो सुपटिपन्नो भगवतो कौशल सारी की मैंने आपको इंटरप्ट किया लेकिन ये जरूरी इस वजह से था कि बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस में जहाँ पे भी कहीं अगर भिक्खु संघ होते हैं एक हो एक से ज्यादा हो
और अगर हम बुद्ध वंदना या तिसरणे पंचशील का पाठ करना चाहते हैं तो हमेशा जो मॉन्क होते हैं उनको रिक्वेस्ट किया जाता है, और वो रिक्वेस्ट करने की भी एक प्रोटोकॉल है कि हम उनसे क्षमा याचना करते हैं, कहते हैं ओकाश अहम बनते कि बनते जी हमें क्षमा करें, हम लोग गृहस्थ लोग हैं, बहुत सारे अनजाने अनजाने गलतियां करते हैं, तो ओकाश अहम बनते तिसरणेन सह पंचशील धम्मो में याचामि, तिसरण और पंचशील देने की मैं याचना करता हूँ अनुग्रह करके, अनुगोहन कत्वा शीलम देत में बनते, अनुग्रह करके मुझे शील दीजिए। शील तो हम पढ़ भी सकते हैं, लेकिन जब कोई भिक्खु होता है तो भिक्खु के साथ में उन शील के साथ में उसकी अपनी साधना, उसकी अपनी पारमिताएं, वो भी उनका फोर्स होता है। इस वजह से ये प्रोटोकॉल या ट्रेडिशन है कि कहीं भी अगर भिक्खु मौजूद है और अगर हमें बुद्ध वंदना करनी है, मान लीजिए भिक्खु इस हालत में नहीं हो, बीमार है, या मान लीजिए किसी कारणवश वो नहीं बोल सकते, तो फिर वो अगर वो कह देते हैं कि नहीं ठीक है हमारा आशीर्वाद है आप खुद कर लो, या किसी उपासक को बोल देते हैं कि आप करवा दो, दैट इज द प्रोटोकॉल। चूंकि ये कल्चर हम लोगों के लिए नया है तो आई थॉट कि मतलब पर्पस भी यही आज के इस प्रोग्राम का है कि वी शुड लर्न अवर कल्चर। ठीक है, मैं गलती पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, हम सिर्फ सीख रहे हैं, मुझे मैंने सीखा ये एक नई चीज। हम लोग हमेशा क्योंकि इसी उसमें रहते हैं सामाजिक कामों में और घर गृहस्थी, तो बुद्धिस्ट परंपरा क्या है या एक एक वो मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ। आगे चर्चा में मैं आपसे आपसे ये शुरुआत करना चाहूंगी कृष्ण सर, बुद्ध का जो ज्ञान जो प्राप्ति का जो एक पूरा का पूरा कंसेप्ट है, आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आप आज के महत्व को देखते हुए उस पर अपनी बातचीत रखें सर। आनंद सर, कृष्ण आनंद सर, मेरे को मुझको कह रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपसे शुरुआत करते हैं। हाँ देखिए कि ये जो जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है इसमें जो बुद्ध पूर्णिमा है, वैसे तो जितनी भी पूर्णिमा है, साल की 12 पूर्णिमाएं पवित्र मानी जाती हैं, और हर पूर्णिमा को उपासक उपासिकाओं से उम्मीद करी जाती है कि वो उपोषित व्रत का पालन करेंगे। लेकिन ये जो बुद्ध स्पेसिफिक जानना चाहती हूँ क्योंकि बुद्ध समय का अभाव रहेगा। हाँ, मैं आ रहा हूँ। बुद्ध पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा के बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, बुद्ध पूर्णिमा को त्रिविध पावन इस वजह से कहते हैं कि इसी दिन लुम्बिनी में सिद्धार्थ गौतम के रूप में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, और इसी दिन 35 साल की उम्र में उनको बोध गया में सम्यक संबोधि प्राप्त हुई, और 45 साल धम्मचारिका करने के बाद में लोगों को धम्म सिखाने के बाद में इसी दिन बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा में कुशीनगर में उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। बुद्धों की मृत्यु नहीं होती है, वो सिर्फ अपनी प्रक्रिया पूरी करके विलीन हो जाते हैं कभी ना आने के लिए, लेकिन उनके बुद्ध के शब्द में मृत्यु शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जो भी बुद्ध होता है उनका महापरिनिर्वाण होता है। इनमें इन तीनों घटनाओं में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो सम्यक संबोधि है, क्योंकि जन्म और मृत्यु तो मानव जीवन की एक उसका एक साइकिल का प्रतीक है, जो भी जन्मा है वो जाएगा, लेकिन जो सम्यक संबोधि है वो कहीं हजारों साल में, ये बड़ी रेयर इवेंट है, कहीं कोई किसी किसी को प्राप्त होती है, वो भी जब वो 10 पारमिताएं पूरी करता है, बहुत सेक्रीफाइस करता है, अपना मार्ग खुद खोजता है। तो ये जो सम्यक संबोधि है, इन तीनों घटनाओं में जन्म महापरिनिर्वाण सम्यक संबोधि, इनमें तीनों में सम्यक संबोधि इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये एक संयोग है कि इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, इसी दिन उनको सम्यक संबोधि प्राप्त हुई, और इसी दिन उनको महापरिनिर्वाण हुआ। एक और संयोग है कि जो सिद्धार्थ गौतम थे वो उनके पिताजी वहां के राजा शुद्धोधन थे, और उनकी माता महामाया जो वहाँ की महारानी थी, उनका जो मैटरनल साइड था ननिहाल वो भी राजे थे। तो जब ये गर्भ पूरा हुआ परिपक्व हुआ तो महामाया के उसमें इच्छा जागी कि हम मायके जाके जन्म देंगे, तो
तो जा रही थी तो रास्ते में कपिलवस्तु और देवोदय के बीच में एक बफर जोन पड़ता था जिसको लुम्बिनी वन कहा जाता था। तो लुम्बिनी वन की छटा देख के महामाया के मन में ये हुआ कि थोड़ी देर यहाँ पे मैं विश्राम करती हूँ, तो घूमने निकली तो वहीं पे वो प्रसव वेदना शुरू हुई और साल ब्रज की एक डाली को पकड़ के वो खड़े खड़े ही सिद्धार्थ का जन्म हुआ। तो देखिए पिता भी महल वाले और निहाल भी महल वाला, लेकिन जो जन्म लिया सिद्धार्थ ने खुली प्रकृति में साल वृक्षों के नीचे। उसके बाद में जब 29 साल की उम्र में गृह त्याग किया, 6 साल तक तपस्या की, सभी आश्रमों में गए, भृगु का आश्रम, अलार कालम का आश्रम, उद्दत रामपुत्र का आश्रम, उसके बाद फिर जाके डूंगेश्वरी पर्वत पे गुफा में तपस्या किया। 6 साल तक ऐसे तपस्या की, लेकिन जब बुद्धत्व तो प्राप्त किया तो अगेन एक पेड़ के नीचे, बोध वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे, अगेन खुली प्रकृति में, खुली हवा में। फिर उसके बाद में 45 सालों तक धम्मचारिका की, फिर अनेकों बिहारों में रहे, अनाथ पिंडक का बिहार जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे वर्षावास व्यतीत किए, माता मिगार माता का बिहार, बहुत सारे भव्य भव्य बिहार। लेकिन जब महापरिनिर्वाण प्राप्त किया 80 साल की उम्र में, तो फिर से साल वृक्षों के नीचे, फिर से खुली प्रकृति में, खुली हवा में। तो ये बड़ा मतलब सुखद संयोग है कि ये तीनों महत्वपूर्ण घटनाएं एक ही दिन घटती हैं और तीनों घटनाएं खुली प्रकृति में आसमान के नीचे घटती हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी फिर आगे प्रोफेसर धर्मपाल सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आज के समय में बुद्ध पूर्णिमा को आप कैसे देखते हैं वर्तमान संदर्भ में। आज हम जिस तरीके से एक एक एक, एक हमारे सामने एक धारा ऐसी है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को के जो उन्होंने जब बुद्ध धर्म ग्रहण किया था, बुद्धम की दीक्षा ली नागपुर में, वही उनका उद्देश्य बन चुका है। एक जो तमाम जो बाबा साहब अंबेडकर के बुद्ध दीक्षा से पहले का जो जीवन रहा, जो सामाजिक राजनीतिक आर्थिक हर तरह के महत्व पर उन्होंने प्रकाश डाला, तमाम भारत का संविधान का बुनकर रहा और फिर विश्व ज्ञान के प्रतीक कहलाए, तो आज का जो समय है, वर्तमान समय है जो बुद्ध पूर्णिमा है, उसके संदर्भ में मैं आपसे जानना चाहूंगी। हमारे क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो बहुत इंटेलेक्चुअल क्लास जिसको आप कहेंगे, उसमें बुद्धिज्म और बाबा साहब अम्बेडकर का दीक्षा समारोह उनके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं। मेरे पास कमेंट्स में आ रहा है कि मैं प्रोफेसर धर्मपाल से इसके बारे में बात करूं। जी जी जी। उसके बाद मैं बंसी से और अर्चना जी, जी, जी के पास महिलाओं का प्रवेश था कैसे था, अर्चना जी से बात करना चाहेंगे। जी प्रोफेसर धर्मपाल जी। कुशल जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आपने शुरू किया है और समझता हूँ कि आगे भी इस तरह के कार्यक्रम चलते रहेंगे। सभी को मेरी ओर से जय भीम नमो बुद्धाय और बुद्ध जयंती के सभी को हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं। देखिए मैं बहुत ही अलग ढंग से देखता हूँ बुद्धिज्म को और मैं भी याद करता हूँ इसको, तो बड़ी लंबी यात्रा है मेरी इस सिलसिले में। लेकिन ये कि मैं अगर इसको हेलो ओके 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 कर दीजिए, जी कुछ आया था बीच में। हाँ हाँ, तो पहली बात तो है कि मैं इनको तीन संदर्भों में देखना चाहूंगा कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी, कि पहली बात तो है कि भारत में बुद्धिज्म आया क्यों, किस लिए आया भारत में, और दूसरी बात फिर बुद्धिज्म फैला तो कि बुद्धिज्म का फैलाव ही यहीं से हुआ था तो आने। हाँ हाँ जी, हाँ जी मैं संक्षिप्त में बताऊंगा मैं बहुत। और दूसरी बात कि फिर ये क्या कारण हुआ कि भारत से ये लुप्त हो गया और फिर भारत में लौटा बाद में बाबा साहब अम्बेडकर के माध्यम से। तो पहली बात है कि भारत में बुद्धिज्म का जो आने का कारण है वो आप सभी जानते कि सिद्धार्थ नाम के जो व्यक्ति थे जिनके नाम शुद्धोदन था, तो उनके यहाँ वो पैदा हुए और बाद में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसके बाद वो बुद्ध कहलाए। तो ये इसके बारे में ये तीन जो त्रिविध बातें कही गई है बुद्ध पूर्णिमा के बारे में,
मैं एक एकेडमिशियन के नाते और एक बौद्ध होने के नाते इस पर थोड़ा विचार करता हूँ, थोड़े विचार भी मेरे अलग हैं इस पर, आप चाहे तो अपनी असहमति दर्ज करवा सकते हैं। कि एक बात यह है कि उस समय में भारत में जो मनुवाद था, ब्राह्मणिज्म था जिसको हम कहते हैं, वो अपनी चरम सीमा पर था। तो उसके यज्ञ बड़ा होना और पशु बलि दी जाना और आत्मा परमात्मा की बातें और उसके बाद समाज में वर्ण व्यवस्था आदि ये सब चीजें थी। तो उसके कारण से जब बुद्ध को ज्ञान, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने इसका मार्ग ढूंढा कि किस तरह से पार पाया जाए। और जब इस उन्होंने फिर इस पर गहराई से चिंतन करके, कोई उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हुई थी लेकिन उन्होंने लंबी साधना की थी, लंबी साधना के बाद उनको ये ज्ञान मिला था। ये कोई चमत्कार नहीं था ये, और उन्होंने जब उसको पाया तो पाने के बाद उसने अपने ज्ञान को दूसरों को बांटा बुद्ध ने। और इसलिए जिस दिन उनको बुद्ध की प्राप्ति हुई यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो बुद्ध कहलाए। और जब जन्म हुआ तो उसी दिन हुआ, और जब जिसको हम कहते हैं कि उनकी मृत्यु हुई थी उसको महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो तीनों घटनाएं बताई जाती हैं। मैं समझता हूँ कि शायद ऐसा संभव हो सकता है कि ऐसा नहीं हुआ हो, लेकिन हम जब किसी को एक धर्म का रूप दे देते हैं तो इस तरह की बातें भी हो जाती हैं कि हम उसको फिर बहुत सारी बातें उसमें बढ़ा चढ़ा कर की जाती है। तो संभावना है कि वो कोई प्रमाण नहीं है इस तरह का ऐतिहासिक कि उसी एक ही दिन बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही उनका धर्म हुआ हो, पूर्णिमा के दिन ही उनको ज्ञान प्राप्त हुई और पूर्णिमा के दिन ही उनकी मृत्यु हुई या महापरिनिर्वाण हुआ। तो ये बड़े गंभीर विषय हैं, लेकिन इतना जरूर है कि बुद्ध ने जो ज्ञान दिया विश्व को वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अब हमारे साथी कृष्णा जी ने बताया कि जो प्रज्ञा, जो ज्ञान है, जो बोधि प्राप्ति हुई, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। और निश्चित रूप से उससे उन्होंने जो ज्ञान पाया उससे पूरे विश्व का कल्याण होता है। उससे बहुत यानी कि मैं समझता हूँ कि केवल भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए बुद्ध ने एक ऐसा मार्ग खोजा जो सबका कल्याण जैसे हो सकता है। और उस समय की जितनी भी बुराइयां थी उन सारी बुराइयों को दूर करके एक अच्छा जीवन जीना, एक सात्विक जीवन जीना, एक परमार्थ का जीवन जीना जो सबके लिए कल्याणकारी हो, ऐसा उन्होंने मार्ग ढूंढा। वो अब उसको हम लोग अपने लिए पंचशील की बात करते हैं और साथ में अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, बहुत संक्षिप्त बात कर रहा हूँ। तो ये तो अष्टांगिक मार्ग ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि उस काल में जो हमारे देश में जो वर्ण व्यवस्था थी, जो जाति व्यवस्था थी, उसको बुद्ध ने नकार दिया पूरी। तो ब्राह्मणवाद का जो वर्चस्व था, ये माना गया था कि जो ब्राह्मण है वो उसके जो विराट महापुरुष ब्रह्मा का है उसके मुख से पैदा हो गए। और ये माना गया कि वो जो क्षत्रिय हैं वो बाहु से पैदा हुए और बनिया हैं वो हाथों से पैदा हुए, पेट से पैदा हुए। और जो हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मतलब इसको नकारा गया पूरी तरह से। प्रोफेसर धर्मपाल जी, मैं आपके पास दोबारा फिर आती हूँ। हम बंद हाँ, क्योंकि लंबा विषय है ये, इतना एकदम से सारी बातें नहीं कह पाएंगे, समय बड़ा, समय का बड़ा अभाव है। मैं भंते जी के पास आना चाहूंगी। कौशल, कौशल, आई वांट टू मेक वन पॉइंट, उसके बाद में आप भंते जी के पास जाइए। मुझे नहीं पता कि धर्मपाल जी किस चीज के प्रोफेसर हैं और मैं मिला भी नहीं हूँ। बट विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, ये जो उनका ऑब्जर्वेशन है कि ये तीनों घटनाएं एक दिन हुई, ये बाद में बढ़ा चढ़ा के उसमें धर्म में जोड़ दिया गया, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, दीज आर द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हिस्टोरिकल इवेंट्स। ये कोई माइथोलॉजिकल इवेंट नहीं है, ये किसी का गेस नहीं है। ये ऑल द थ्री डेट्स आर डॉक्यूमेंटेड historically all over the world, and so far in the 2000 more than 2500 years not even a single person has raised this suspicion or objection ki tino event ek din mein nahi hui thi. I am hearing it for the first time from Dharmpal ki wo baad mein jod diya gaya hoga. I don't know what is the evidence he is having to support this kind of perception which is having, but all over the world
It is accepted that all these three events took place on Buddha Purnima. Krishna ji, मैं आपकी बात जानता हूँ. मैंने आपकी किताब पढ़ी है और बहुत सारी पुस्तकें मैंने पढ़ी है. यहाँ पर डिस्कस करने का क्योंकि इतना समय नहीं है, क्योंकि ऐसे जो विषय होते हैं यहाँ पर हम ऑनलाइन पर गहराई से विचार नहीं कर सकते हैं. और ये है निश्चित रूप से मैंने एक संभावना बताई है कि अभी बहुत सारी बातें ऐसे. मैं वैसे बुद्धिज्म को बहुत अच्छी तरह से मानता हूँ. बनते चंद्र के हम जानना चाहते हैं कि जो एक मिथ है एक तरह से. मैं आज भगवान बुद्ध और उनका धम्म ये मैंने किताब पढ़ा, साथ ही साथ मेरे सामने आप बनते जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं बुद्धक निकाय, ये वाला मैंने अध्ययन करने की कोशिश की है, हालांकि मैं इसको पूरा नहीं पढ़ पाई. मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो एक तरह से ये कहा जाता है कि बुद्ध घर से निकले तब जब उन्होंने रोगी को देखा, बूढ़े को देखा, मृत्यु, दुख, इसके ऊपर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें क्योंकि आप डॉक्टर भी हैं साथ ही साथ. बनते चंद्र कीर्ति जी, परिवृज्य के बारे में उसके बाद मैं अर्चना जी के पास आऊंगी, फिर करुणा मोदी के पास. आप लोगों को आपका सबसे पहले मैं अभिनंदन करता हूँ कि आपने ये बहुत अच्छी मीटिंग यहाँ पर आयोजित की है और एक होस्ट आपने रखी है. तो देखा जाए तो भारत का जो इतिहास है वो इतिहास जो है संघर्ष का इतिहास रहा है. तो बहुत ही बारीकी से और बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से हमें उसकी ओर देखना होता है. देखा जाए तो सिद्धार्थ गौतम के बारे में जो बात कही गई है कि जिस समय वे 28 वर्ष के थे उस समय कोली और साक्षियों के बीच में एक बड़ा झगड़ा हो गया और झगड़ा होने की वजह से उन्होंने गृह त्याग किया. एक पहला मुद्दा आता है. लेकिन जब वो युद्ध करने के लिए नकार देते क्योंकि वहां पर जो साक्ष्य संघ था वो साक्ष्य संघ की एक मर्यादा थी कि 20 साल की उम्र में जो उन्हें सदस्य होना पड़ता था. तो सिद्धार्थ गौतम भी 20 साल की उम्र में उसके सदस्य बन गए थे. और जब ये रोहिणी नदी के पानी को लेकर झगड़ा जब उत्पन्न हो गया और साक्ष्य जो है वो कोलियों के साथ में युद्ध करना चाहते थे लेकिन सिद्धार्थ ने जो है उसका विरोध किया. ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर आता है. लेकिन आप और भी अन्य ग्रंथों में आप जो पढ़ते हैं कि सिद्धार्थ गौतम जो है जब उन्होंने गृह त्याग किया तो गृह त्याग करने के समय में सुदोधन, उनकी माता महाप्रजापति गौतमी, उनकी वाइफ जो है यशोधरा और उनका बेटा राहुल, ये सब सो रहे थे और ऐसे समय में उन्होंने गृह त्याग किया. एक मुद्दा आता है. लेकिन इस मुद्दे को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्धायन धम्मा में कोट करते हुए वो बात कही है कि ये जो हमारा जो ग्रंथ है सुत्त पिटक का खुद्देव निकाय के सुत्त निपात में इसका एक पवज्जा सूत्र आता है और उस पवज्जा सूत्र में आनंद ने ये बात बताने की कोशिश की है कि सिद्धार्थ गौतम ने गृह त्याग क्यों किया. तो उन्होंने ये बात बताई कि जैसे कि जो सामान्य जनता का जीवन है ये बहुत ही दुखी जीवन होता है और मैंने सारे संसार को मैंने देखा है और वो देखने के बाद में मुझे लगता है कि यहाँ दुखमय है इसलिए मुझे गृह त्याग करना चाहिए. ये एक बात वहाँ बुद्धायन धम्मा में दी गई है. दूसरी महत्वपूर्ण बातें जो बुद्ध चरित्र द्वारा यानी बुद्ध का चरित्र जो बुद्ध घोष द्वारा लिखित है वहाँ पे चार दृश्य का वर्णन आता है कि जैसे कि उन्होंने बीमार आदमी देखा, उन्होंने बूढ़ा आदमी देखा, उन्होंने सन्यासी देखा और उन्होंने ये चार दृश्य जो दिखाए जाते हैं वो चार दृश्य को ध्यान में रखते हुए ये बात सामने आई है. लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बुद्धायन इस धम्मा जो उन्होंने लिखा है उसमें उस बात को उन्होंने ये जिक्र करने की कोशिश की और हम ये दिमाग लगा सकते हैं कि कोई 29 साल का नौजवान होते तक क्या उन्होंने बूढ़ा आदमी नहीं देखा होगा, क्या उन्होंने कभी रोगी आदमी नहीं देखा होगा, क्या उन्होंने बीमार आदमी नहीं देखा होगा या सन्यासी नहीं देखा होगा. ये जो लोगों को देखकर जो उनके मन में वेदना जागी और फिर उन्होंने गृह त्याग किया तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्सी है. लेकिन इसकी छानबीन करने के बाद में सूत्र निपात से हमें ये पता चलता है कि जो पवज्जा सूत्र उसमें आया है उस पवज्जा सूत्र में अच्छा वर्णन किया गया पवज्जा के बारे में कि किस तरह से वह पवज्जा उनकी हुई थी. और दूसरा बात महत्वपूर्ण वहां आती है कि जिस समय कपिल वस्तु के भारद्वाज के आश्रम में जब उनकी पवज्जा कराई गई तो उनके लिए सन्यासी का वस्त्र लाया गया, उसके पहले उनका बाल का मुंडन किया गया और इस अवसर पर राजा सुदोधन और महाप्रजापति भी गौतमी भी उपस्थित थी. तो इस बातों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि जो पहले की बातें आई है कि उन्होंने सोते हुए घर को छोड़ दिया था
तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये बातें जो है उतनी प्रमाणिक नहीं लगती। प्रमाणिक ज्यादा ये लगती है कि उन्होंने सह सम्मान जो है अपने घर से विदा किए और विदा होने के बाद में उन्होंने प्रवज्ञा ग्रहण की और प्रवज्ञा ग्रहण करने के बाद में फिर वो सत्य की खोज में आगे बढ़ते चले गए। तो ज्यादातर जो हमें दिखाई देता है साहित्यिक रूप से जो प्रमाणिक रूप से सूत्र निपात का जो प्रवज्ञा सूत्र है उस सूत्र से हमें ये दिखाई देता है कि सिद्धार्थ गौतम ने जो है वो मूलभूत कारणों को ध्यान में रखते जो सामान्य जीवन है उसमें बहुत सारी दिक्कतें होती है, दुख उत्पन्न हो जाता है और कूड़े और कचरे का जीवन जीते, ऐसा वहां पर एक शब्द का इस्तेमाल किया गया जो मैं आप लोगों को इस मौके पे भी बताना चाहता हूँ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिस तरह से सिद्धार्थ के साथ जुड़ी हुई घटना का वर्णन किया जाता है जो मूल रूप से सही नहीं है, लेकिन भारत में जो इतिहास की बातें कही जाती है वो इतिहास जो है वो काउंटर जैसे कि क्रांति और प्रतिक्रांति के रूप में हम देखते हैं भारत का इतिहास, तो उसमें कहीं ना कहीं ये उनकी मानसिकता का जो प्रभाव है जिसको हम इस देश में श्रमण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति का पहले से हम देखते हैं जो बुद्ध के काल में भी थी, सिद्धार्थ गौतम के काल में भी थी, तो अर्थात कहीं ना कहीं ये उस तरह का ये दिखाई देता है। लेकिन एक बात तो जरूर थी कि लोग सत्य की खोज में निकलते थे, प्रवज्ञा ग्रहण करते थे, क्योंकि पांच परिराजक जो उनके सामने दिखाई देते हैं वो भी सत्य की खोज में निकले हुए थे। प्रवज्ञा की यानी ग्रह त्याग की परंपरा तो थी, लेकिन साथ में जिन कारणों के साथ में सिद्धार्थ गौतम का घटनाओं के साथ में जो संबंध जोड़ा जाता है वो कहीं ना कहीं अभी तक जो है वो तार्किक रूप से खरा नहीं उतरता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने रोहिणी नदी का एग्जाम्पल देकर जो समझाने की कोशिश की है और ये बात बताने की कोशिश की है, तो मुझे लगता है कि इवन हम भी एज ए स्कॉलर होने के नाते, एज ए बुद्धिस्ट मॉन्क होने के नाते इस बात पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि क्या 29 साल का नौजवान ने क्या रोगी या बूढ़ा आदमी या सन्यासी आदमी या जिस तरह का वो वर्णन बताया गया है वो वर्णन उतना प्रमाणिक न लगते हुए ज्यादातर रोहिणी एक मुद्दा और दूसरा लोगों के दुख था ध्यान में रखते हुए ये चीजें लगता है कि ज्यादा प्रमाणिक है। तो उद्यान धम्मा में भी बाबा अम्बेडकर ने लिखा है, इवन धम्मानंद कोसाम्बी ने भी यही बातों पर जोर देने की कोशिश की है कि वास्तविकता जो है ये रोहिणी नदी के पानी को लेकर जो ग्रह त्याग ने किया, लेकिन एक मुद्दा और भी आता है कि जब 8 साल की उम्र सिद्धार्थ गौतम की थी तब वो ध्यान साधना की कुछ अभ्यास किया करते थे, ध्यान साधना किया करते थे, अर्थात वो बचपन से बड़े करुणामयी थे और उनका हृदय बड़ा अच्छा था और वो लगातार सत्य की खोज में लगे हुए थे, यानी कुल मिलाकर वो तार्किक थे और वो कुछ पाना चाहते थे, कुछ हासिल करना चाहते थे। तो ये ज्यादातर महत्वपूर्ण बात उनके जीवन से हमें दिखाई देती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो बात आई है सामने, तो भारत के अंदर में तो लिटरेरी ये ज्यादातर बताया जाता है कि उन्हें सोते हुए घर को छोड़ दिया था, लेकिन मुझे लगता है कि जो बुद्धायन धम्मा में आया और बुद्धायन धम्मा का बाबा साहब अम्बेडकर ने जो प्रवज्ञा सूत्र का और अत्यनंद सूत्र का जो वर्णन उन्होंने वहां पे किया है वो सूत्र मुझे लगता है बड़े प्रमाणिक है जिसके माध्यम से सिद्धार्थ गौतम की प्रवज्ञा का वर्णन सामने आता है। तो मैं ये इस अवसर पर उनकी ये जो मूलभूत बातें हैं जो साहित्यिक में दी गई है तो मुझे लगता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। बुद्धायन धम्मा के माध्यम से जो सूत्र निपात में बातें आई है, सूत्र निपात के माध्यम से बुद्धायन धम्मा में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है और धम्मानंद गोस्वामी ने इसमें भी जोर दिया, इवन हमें भी लगता है कि ये बातें उतनी ही वास्तविक है कि एक आदमी 29 साल की उम्र तक इंतजार करते तक क्या उसने कभी नहीं देखा होगा इन घटनाओं को, और इसीलिए यहाँ पर वो तार्किक रूप से भी यदि हम करते हैं या कहते हैं तो लगता है ये बात खारिज होती है। रोहिणी नदी की बातें और प्रवज्ञा सूत्र में आई हुई जो मूलभूत बातें हैं जो जीवन में दुख आता है और दुख को कैसे हम समाप्त कर सकते हैं, तो उसके लिए उन्होंने संन्यास का जो रूप है यानी जिसे हम प्रवज्ञा कहते हैं वो प्रवज्ञा को ज्यादा उन्होंने महत्वपूर्ण समझा और इसलिए उन्होंने प्रवज्ञा की, ये मूलभूत कारण मुझे समझ में आता है। मैडम जी ठीक, अर्चना गौतम जी के पास मैं आना चाहूंगी, आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और तमाम मुद्दों पर बातचीत करती हैं। अभी पिछले दिनों आप बुद्धिस्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो डॉक्टर बंते चंद्र कीर्ति जी ने आयोजित किया था नागपुर में, नहीं जूनागढ़ में सॉरी, उसमें भी आप थे। अर्चना गौतम जी मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि एक पूर्व पक्ष की तरह से एक आरोप लगाया जाता है कि जो महिलाओं का जो भिखुणी संघ था वो बहुत बाद में विकसित किया गया, यानी कि स्त्रियों को संघ में शामिल होने का
बहुत बाद में एक तरह से प्रभाव दिखाई देता है। डॉक्टर आनंद कृष्णन जी भी मेरी बात को थोड़ा सा इसके अर्चना जी और मोदी के बोलने के बाद आप भी ऐड कर सकते हैं सर कि ये जो बार बार उठाया जाता है, हालांकि बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे हमें पूरा ज्ञान और जन्म और उनके एक तरह से मृत्यु पर चर्चा की है, वो हम कर रहे हैं, अभी आगे भी बढ़ेंगे चर्चा में। अर्चना जी, आप इसको कैसे देखती हैं? भिखुनी संघ सर्वप्रथम जी, महिलाओं के सर्वप्रथम समय में बुद्ध पूर्णिमा की क्या महत्ता है, आप इस पे भी थोड़ा सा समय लेके आप विस्तार से बात करेंगे। जी 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 जी, सर्वप्रथम सभी को बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं, भिक्खु संघ को मेरा वंदामी, और जो समस्त आपके चैनल को देखेंगे उन सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, और मैं सबको मंगल कामनाएं देती हूँ। सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगी कि बुद्ध पूर्णिमा ये इसकी जानकारी तो सभी लगभग सभी लोगों को है कि बुद्ध के साथ तीन घटनाएं घटी थी। आज के दिन पूर्णिमा के दिन उनका जन्म, उनको संबोधि की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण, ये तीनों घटनाएं होना बड़े ये बहुत मुश्किल बात है। ऐसा कभी इतना संभव नहीं है, हम सोच भी नहीं सकते कि एक ही दिन किसी व्यक्ति का जन्म भी हुआ है और उसकी उसका महापरिनिर्वाण भी हुआ है और संबोधि की प्राप्ति भी उसी दिन हुई है। बड़ा बहुत महान दिन है ये आज का। तो ये एक घटना जो है बहुत ये मानना चाहिए कि रेयर घटना है, ऐसी कहीं दोबारा कोई दिखाई दी नहीं, और हजारों लाखों सालों में कभी दोबारा ऐसी हो सकती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हम लोगों के लिए। वैसे तो विश्व भर में आज का दिन बहुत ही जोर शोर से, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, खुशियों के साथ मनाया जा रहा है। और बुद्ध का क्योंकि एक वैज्ञानिक धर्म होने के नाते, बाबा साहब ने जब उनको धर्म के ये चूज करने का था कि वो कौन सा धर्म अपनाएंगे, उन्होंने सभी धर्मों के विषय में पढ़ाई की, देखा सबको, सबके अंदर कुछ ना कुछ कमियां दिखाई दी, लेकिन बौद्ध धर्म जो कि एक वैज्ञानिक धर्म है और विज्ञान पर आधारित है, मनुष्य का जहाँ कल्याण होता है और कोई भी अतार्किक बात ही नहीं होती है, तो ऐसे धर्म को अपनाना और उसको उस पर चलना एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो पूरे देश भर में, क्योंकि आज जैसा हम देखते हैं कि हमारे देश में जिस तरह की स्थिति है, बहुत सारे लोग जो परेशान हो चुके हैं वर्तमान परिस्थिति से, तो वो भी ये सोचते हैं, कई अलग अलग धर्मों के लोग भी, कई जातियों के लोग भी जो इस देश में, क्योंकि जातियों का नाम मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि भले ही कोई कुछ भी कहे, लेकिन आज भी देश जातियों पे बहुत ज्यादा विश्वास करता है और मानता है और चलता भी है। तो बहुत सारे जातियों के लोग जो है वो धर्म परिवर्तन करके या कहते हैं कि हम अपने घर वापस आ रहे हैं, इस प्रकार बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म के अंदर जो इसकी अच्छाइयां हैं, जो मनुष्य का कल्याण की बात करता है ये, और किसी भी प्रकार हम किसी दूसरे को हानि नहीं पहुंचाते, किसी परेशान नहीं होने देते हैं, तो सबसे अच्छा धर्म माना गया है। इसीलिए पूरे भारत में ही नहीं, संसार भर में ये मैं चाहूंगी कि, या मैं कहना चाहूंगी कि बहुत तेजी से बौद्ध धर्म अपनाया जा रहा है इसकी अच्छाइयों के कारण। ये तो इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं। और दूसरा कि महिलाओं को बहुत दिनों बाद इसमें शामिल किया गया, संघ की, महिला संघ की जो उत्पत्ति थी या वो बनाया गया बहुत लंबे समय बाद, क्योंकि ऐसा है, पहली बात तो हमें ये देखना चाहिए कि किसी भी धर्म में महिलाओं को इस तरह का कोई उच्च कोटि का कोई स्थान प्राप्त नहीं होता। ऐसा कहा जाता है दूसरे धर्मों में कि महिलाओं को निर्वाण की प्राप्ति भी नहीं होती, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन बौद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म है, धम्म है, जहाँ पर महिलाओं को पुरुषों के बराबरी मिली। और उसमें देर से आने का कारण यही था कि जब धम्म की शुरुआत हुई थी तो उस समय उस तरह की सुविधाएं नहीं थी जैसे कि महिलाओं को होनी चाहिए, जैसे उन्हें नहाने के लिए एक अलग बाथरूम या कोई नहाने की जगह होनी चाहिए और उनके रहने की जगह होनी चाहिए जहाँ वो अपने वस्त्र वगैरह चेंज कर सकें या और कोई दूसरी तरह की जो महिलाओं को होनी चाहिए। इस प्रकार बुद्ध ने
महिलाओं को महा प्रजापति ने कई बार पहले शुरुआत में कोशिश की कि मुझे आना है, बुद्ध में संघ में शामिल होना है। तो बुद्ध ने थोड़ा सा समय लिया जब उन्हें लगा कि महिलाओं की संघ में को प्रवेश दिया जा सकता है, तब वो महिलाओं को प्रवेश दिया गया। इसके पीछे और कोई अन्य था, कोई दूसरा कारण ऐसा नहीं था। जैसे कि बहुत बार कहा जाता है कि 8 कारण थे, उनको जब तक वो नहीं मानेंगी तब तक वो नहीं उसमें संघ में शामिल नहीं हो सकती है। ऐसा मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी भी हमें कह के गए कि जो तर्क संगत ना हो, बुद्धि संगत ना हो, मनुष्य के कल्याण की बात ना करता हो, तो उसे हमें नहीं मानना है। हमें उसे छोड़ के सिर्फ जो मनुष्य का कल्याण जहाँ पे स्थापित है, जहाँ हमें लगे कि हाँ ऐसा संभव है, सिर्फ तो उसी को हमें मानना है। तो इस प्रकार महिला संघ का जो निर्माण था वो थोड़ा सा देर से हुआ, लेकिन बौद्ध धर्म में आने के बाद में भिक्षुणियों ने अर्हत की प्राप्ति की, अर्हत हुई बहुत सारी महिलाएं। ये एक बहुत ही बड़ी बात है धर्म के लिए। जी जी कौशल जी, करुणा बोधी जी के पास मैं आना चाहूंगी। उससे पहले छोटी सी लाइन आपके लिए, जब कोई तरुण भिक्षु बुद्ध शासन की सेवा में रत हो जाता है तो वह बादलों से मुक्त चंद्रमा की तरह इस संसार को प्रकाशित करता है। ये मैं उधार ले रही हूँ बुद्धायनी तम्मा में, और ये इसलिए भी क्योंकि करुणा बोधी मेरे विद्यार्थी भी रही। तो आज हम करुणा बोधी के पास, एक टीचर की तरह नहीं मैं बात कर रही, आप क्योंकि मॉन्क हो चुके हैं और आपका ज्ञान न केवल संस्कृत में रहा बल्कि पाली और संस्कृत का भी आपने अध्ययन किया। इतनी छोटी सी उम्र में आपने तमाम देशों की यात्रा की, श्रीलंका गए और तमाम भारत के हर जगह जहाँ जहाँ बुद्ध का प्रवास हुआ वहाँ वहाँ करुणा बोधी ने बिल्कुल अभियान की तरह एक चला रहा है। मैं इसको आंदोलन की तरह देखती हूँ। करुणा बोधी जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ओपस जो अष्टशील है उसके बारे में थोड़ी सी आप जानकारी दें हमारे दर्शकों को। जी करुणा बोधी, उपस्थ अष्टशील के बारे में आप थोड़ा बताएं। उपस्थ अष्टशील क्या? सबसे पहले मैं तथागत समय संबुद्ध को नमन करते हैं, पूजनीय बंदी जी को बंदामी, और सभी उपासकों उपासिकाओं को त्रिवेदी पावन बुद्ध पूर्णिमा के हार्दिक मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं सभी के लिए, और सभी के लिए मंगल कामनाएं करते हुए आज का जो सब्जेक्ट रखा गया है कि उपस्थ सील जो है, अष्ट सील है, उसका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। तो उसमें सभी बौद्ध उपासकों और उपासिकाओं के लिए, बच्चों के लिए या ग्रस्त के सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है, और खास करके जैसे आज बुद्ध पूर्णिमा है, आजकल तो बहुत विशेष दिन है, और महीने में एक बुद्ध पूर्णिमा आती है, अमावस्या आती है, दो अष्टमी। मान बुद्ध ने कहा है कि दोनों अष्टमी, पूर्णमासी और अमावस्या, इस पे आप उपोषण ग्रहण करते हैं, आपका जीवन जो है बहुत ही स्वच्छ होगा, उज्ज्वल होगा, और धम के पथवे सीलों का मार्ग पालन करते हुए अच्छा जीवन होगा। तो आज जो उपोषण का जो दिन है, या मैं जो आज सील के लिए जो बात कर रहे हैं, मैं देखता हूँ कि संसार में, अभी संसार की बात की छोड़ दीजिए, लेकिन अभी इंडिया में जो है उपोषण लोग इतना ज्यादा नहीं जानते हैं। वैसे महाराष्ट्र में मैं देखा है कि महाराष्ट्र में लोग जागरूक हैं और ज्यादा से ज्यादा अष्टशील का पालन करते हैं और उपोषण धारण करते हैं। अभी सुबह भी एक जगह में चर्चा हो रही थी, तो वहाँ भी कुछ लोगों ने उपोषण अष्टशील धारण किए, और कल भी हमारे बिहार में लोगों ने आकर के बंदी जी कल क्या करना चाहिए, तो मैंने कुछ लोगों को बताया उपोषण अष्टशील धारण करना चाहिए। उपोषण सुबह 5 लोग आए मेरे पास, उन्होंने उपोषण अष्टशील धारण किया। तो उपोषण अष्टशील है क्या कि आज के दिन सुबह व्यक्ति फ्रेश हुआ होके सफेद वस्त्र पहन के और अष्टशील धारण करे। पास में कोई बिहार है तो बिहार में जाकर के अष्टशील किसी भिक्षु से धारण करे। क्या ये मॉन्क ही है या उपासक उपासिका भी कर सकते हैं? अष्टशील केवल उपासकों के लिए होता है, ग्रस्त लोगों के लिए है अष्टशील। भिक्षु के लिए जो होते हैं वो श्रावणी के लिए 10 सील होता है, और भिक्षु के लिए 227 सील होता है, भिक्षुणी के लिए 311 सील होता है। तो अष्टशील जो है केवल ग्रस्त लोगों के लिए है, और वो केवल पूर्णमासी, अमावस्या और अष्टमी,
इस पे ये लोग धारण कर सकते हैं। लेकिन पूर्णमासी अमावस्या बहुत जरूरी है, इसमें आप लोग शील को धारण करें और अष्टशील का पूरा पालन करें। तो उसमें हम पंचशील तो आप लोग वैसे पालन करते हैं, पंचशील ग्रस्त लोगों को दिए गए हैं। आप लोग अभी भी लिए, शुरू करने से पहले अपनी चर्चा करने से पहले शील आप लोगों ने लिया, उसमें एक शील अपना चेंज होता है पंचशील में। तो पहला शील आप लोगों ने जैसे लिया पाणत पाता वेरम नहीं सिक्खा पतन जमाता मी, दूसरा थी अधिन्ना दाना, तीसरा शील यहाँ पर चेंज होता है आप लोगों ने लिया कांस में चाचारा, तो यही उपसत शील में हो जाता है अब्रह्मचर्या। आप लोगों को 24 घंटे के लिए उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। और चौथा शील जो है मूसा वादा सेम रहता है, सुराय मेरे मजकुमादा ठाना, पांचवा शील वो भी सेम रहता है। और छठवां शील आप लोगों के लिए आ जाता है विकल भोजना वे रमनी सिखा समाधान, यानी कि विकल भोजन नहीं करेंगे, 12 बजे से पहले हम खाना खाएंगे, 12 बजे बाद भोजन नहीं करेंगे, ये छठवां शील आ जाता है। और सातवां शील जो आ जाता है नच गीत बाधित भूषक तस्ना और माला गंध विलेपन धारण मंडन विभूषण खाना वे रमनी सिखा पतंग समाधानी, ये सातवां शील आ जाता है। यानी कि इसमें आ जाता है कि नाच गीत बाधित भूषक तस्ना, नाचना गाना और टीवी वगैरह या हम मोबाइल पे सॉन्ग वगैरह इत्यादि नहीं सुनेंगे, या हम गुनगुनाएंगे भी नहीं, गाने वगैरह नहीं उस दिन गाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, टीवी वगैरह नहीं देखेंगे। और इसी में एक शील और जुड़ा हुआ है माला गंध विलेपन धारण, यानी कि हम श्रृंगार नहीं करेंगे, जो हम क्रीम पाउडर वगैरह लगाते हैं या सिंदूर वगैरह मिलाएं लगाती हैं, लिपस्टिक वगैरह लगाते हैं या जो भी सेंट परफ्यूम वगैरह लगाते हैं, ये इत्यादि उस दिन बिल्कुल भी, केवल नहाया धोया और एकदम सिंपल सादा, ऊपर से लेप कुछ नहीं लगाना है, एकदम नेचुरल रहना है, ये सातवां शील आ जाता है। उच्चा संया महासंया ये आठवां शील आता है, यानी कि उस दिन आप लोगों को ऊंचे आसन पे नहीं सोना है ना बैठना है, उस दिन उस शील उसका प्रयोग नहीं करना है। यानी जैसे मान लेते हैं ऊंचा मोटा खूब गद्दा या सोफा, ज्यादा आरामदायक कोई गद्दा या फिर सोफा पे उस पर हम नहीं बैठेंगे ना सोएंगे, एकदम सिंपल सा नॉर्मल गद्दा हो, पतला हो, या मैट चटाई का भी हम उसमें प्रयोग कर सकते हैं, या हम कुर्सी का भी प्रयोग कर सकते हैं, बैठे हैं तो कुर्सी का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसी अष्टशील है, ये अष्टशील का उसने आप लोगों को अच्छे से पालन करना चाहिए। और इसमें शाम को खाना नहीं खाया जाता है, क्योंकि विकल भोजन आपने शील लिया है, तो शाम को आप अल्पाहार के लिए केवल जूस ले सकते हैं या ब्लैक टी ग्रीन टी इत्यादि ले सकते हैं, दूध की मिल्क वाली चीज कोई भी वस्तु या मिल्क वाली टी भी नहीं ले सकते 12 बजे के बाद। 12 बजे के बाद आप कुछ भी लेते हैं तो केवल केवल ग्रीन टी या फिर ब्लैक टी या जूस वही ले सकते हैं, उसके बाद कुछ नहीं ले सकते। तो ये ऐसी अष्टशील है, इसका अष्टशील का पालन करते हैं, हमारे बौद्ध धर्म में बहुत इसका महत्व है और आपका जीवन भी बहुत व्यक्ति का इसमें सुखमय होता है। देखिए उस दिन आप महसूस कीजिए, जब शील को धारण करेंगे तब हमको महसूस होता है कि मैंने शील धारण किया था, तो हमारी चेंजिंग क्या होगी आपको उस दिन नहीं लगेगा, लेकिन दूसरे दिन या तीसरे चौथे दिन आपको महसूस होगा कि हमको मैंने ये शील धारण किए इससे हमको कितने फायदे हुए। वैसे आपका शरीर आपका दूसरे दिन शरीर आपका बहुत ही अच्छा होगा, हल्का शरीर रहता है और सुखाल जीवन रहता है। तो ये अष्टशील का आप सभी लोग जो भी भारत के जो निवासी लोग हैं ज्यादा से ज्यादा अष्टशील को पूर्णमासी अमावस्या के दिन धारण करें, और खास करके आज के दिन अभी तो टाइम बहुत हुआ, लेकिन जिसको जानकारी रही होगी जिसने धारण किए बहुत अच्छा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी अगले पूर्णमासी आएगी, जून की पूर्णमासी है, आगे जुलाई की पूर्णमासी है, उस पर अष्टशील धारण करें और उसका अष्टशील का पालन करें। एक बार पालन करना व्यक्ति सीखे करे तो ऐसा नहीं है कि व्यक्ति देखे अरे अष्टशील पालन नहीं कर पाऊंगा, नहीं, शुरुआत करे व्यक्ति तो जीवन में जरूर अवश्य आगे बढ़ता है, अगर जिसने शुरुआत ही नहीं किया तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। जी कर्णावधि, मैं भी कोशिश करूंगी। चर्चा को हम समाप्ति की ओर अब लेके जा रहे हैं, मैं अंतिम प्रश्न दो दो मिनट सब पैनलिस्ट को देना मतलब लेना चाहती हूँ, आप सब सबका कीमती समय, कि बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आप हमारे दर्शकों को और हमारे पूरे समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, सिर्फ केवल दो दो मिनट में आप लोग अपनी बातचीत रखेंगे। प्रोफेसर धर्मपाल जी,
कि देखिए संदेश हम देना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसा कि दुनिया में केवल और केवल बुद्धिज्म या बौद्ध धम्म, बाबा साहब ने इसको धम्म कहा, धर्म नहीं कहा है, तो धम्म कहा उसको, ये एक वैज्ञानिक मार्ग है। तो जो एक नंबर एक मानवता, मानवता के आधार पर, और दूसरा ऐसा मार्ग जो वैज्ञानिकता के आधार पर खरा उतरता हो, इन दो बातों को अगर लिया जाए तो विश्व में सर्वश्रेष्ठ जो धम्म है वो बौद्ध धम्म ही है। इसलिए उस काल से लेकर के अभी भी आए हमेशा के लिए यही एक धम्म है जो आगे बढ़ेगा विश्व में। लोग जब जैसे जैसे ही विज्ञान को समझते जाएंगे, जैसे जैसे वो लोग ज्ञान प्राप्त करते जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से बौद्ध धम्म को स्वीकार करेंगे। मैं ये मानता हूं कि श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि इसमें मनुष्य के कल्याण के सारे मार्ग खोले गए हैं। उसमें शांति की बात की गई है, उसमें अहिंसा की बात की गई है, उसमें भाईचारा, उसमें प्रेम है, उसमें और सबसे बड़ी बात है कि समानता की बात उसमें है। तो ये जो बातें कि हमारे देश में तो छुआछूत भेदभाव बहुत ज्यादा, वर्ण व्यवस्था है, और यहाँ ईश्वर वाली जो बात है, तो ये जो अनिश्वरवादी ये विचार है गौतम बुद्धा के, तो हमें आज अगर हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरने वाला जो धम्म है वो बौद्ध धम्म ही है। तो ऐसा धम्म ही आगे बढ़ना चाहिए। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इसलिए 1956 में ये जो धम्म दिया था वो इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने उससे पहले सारे धर्मों का गहन अध्ययन किया था। लगभग 25-26 वर्षों तक अध्ययन करने के बाद उन्होंने धम्म को स्वीकार किया था, अन्यथा बहुत से दूसरे धर्म के लोग उन्होंने उनका आह्वान किया था कि आप हमारे धर्म में आ जाइए, लेकिन बाबा साहब नहीं गए। तो कारण ये था उनकी का ही। तो हम चाहते कि भारत देश में जो बौद्ध धर्म का विकास हो वो जो मूल धर्म है उसका होना चाहिए। उसमें जो कुछ मिलावटें हुई है, मेरा मिलावटों से मेरा विरोध है, क्योंकि उससे कम से कम भारत देश, यहाँ अभी भी मनुवाद चल रहा है, हमारे यहाँ देखिए अभी फिलहाल जो लॉकडाउन चल रहा है कोरोना की बात है, तो अभी देखिए कि वो शराब खोल दी गई, अब सरकार ने क्या कि वो शराब खोल दिए। इसमें हम और आपका टाइम लेके विस्तार से बात करेंगे। बनते चंद्र जी, जी, जी डॉक्टर बनते चंद्र कीर्ति जी, आज के समय दो टाइम दो उसमें मिनट में आप क्या संदेश देना चाहेंगे सभी? मैं तो ये जैसे कि कोरोना चल ही रहा है तो हम जानते हैं कि पूरी दुनिया भर में जिस तरह की ये समस्या बढ़ रही है, तो तथागत गौतम बुद्ध का ये धर्म जो है वो कल्याणकारी धर्म पहले भी रहा है, अभी भी और भविष्य में भी रहेगा। तो ये जो कल्याणकारी धर्म है तो खासकर भारत में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो इच्छा जताई थी कि हम सब भारतीयों को बौद्ध बनना चाहिए, तो इस अवसर पर मैं, इस वैशाख डे के अवसर पर मैं यही आह्वान लोगों से करना चाहूंगा आपके इस माध्यम से कि लोग भारत में जिस परंपरा को मानते चले जा रहे हैं और उनका गरीबी भी नहीं जा रही है, उनकी भुखमरी भी समाप्त नहीं हो रही है, उनकी अशिक्षा भी समाप्त नहीं हो रही है, उनका अन्याय अत्याचार और जातिवाद भी समाप्त नहीं हो रहा है, तो ऐसे मौके पर उन बाबा साहब अम्बेडकर की बातों को मानते हुए जितनी जल्दी हो सके हमने ये तथागत गौतम बुद्ध का भारत के अंदर में उदित हुआ धर्म है, बोध गया में यह उनका ज्ञान प्राप्ति हुई और बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने सारनाथ में जाकर लोगों को उन्होंने पांच लोगों को सबसे पहले देशना दी है। तो मैं यही चाहूंगा कि इस मौके पर वैशाख के अवसर पर, बोध पूर्णिमा के अवसर पर हम एक ऐसा संकल्प लेते हुए तब हम भारतीयों को जितने जल्दी हो सके वो बौद्ध बनना चाहिए, और बुद्ध बनने का मतलब यह है कि मनुष्य को एक अच्छा इंसानियत का जीवन जीने का अवसर मिलता है जिसमें किसी भी प्रकार की जाति नहीं, किसी प्रकार का असमानता नहीं, किसी भी प्रकार की विषमता नहीं। और यदि ये हमने संकल्प लिया तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो भारतीय के संविधान में लिखी हुई जो संकल्पना है, वी द पीपल ऑफ इंडिया की जो संकल्पना उन्होंने लिखी है, तो मुझे लगता है कि वो साकार होते हुए नजर आएगी, क्योंकि वही एक संकल्पना है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध का जो संदेश रहा है सभ्य सत्ता सुखी वंतु का, कि वो हम सब सुखी बन सके, तो सुखी बनने की जो कामना या जो थीम दी गई है, जो विजन है, वो तथागत गौतम बुद्ध के धर्म में है। और इसलिए मैं आपके माध्यम से समस्त भारतवासियों को ये आह्वान या एक संदेश कह लीजिए, ये कहना चाहूंगा कि हम जितने जल्दी हो सके बौद्ध बनकर एक मानवता का एक परिचय देते हुए दुनिया में अपनी एक साख बनाएं, क्योंकि दुनिया में बुद्ध की धर्म की एक बड़ी मोमेंट है
और इसको मानने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है और इसलिए जितने जल्दी हो सके हम लोगों ने वो धर्म का अंगीकार करना चाहिए। इस मौके पर मैं यही आनंद कृष्णन सर अंतिम नहीं एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने पूछा था रचना ने बहुत अच्छा जवाब दिया उसका। जो विरोधी हैं बौद्ध धर्म के वो ऐसा आरोप लगाते हैं कि भगवान बुद्ध ने एडमिट तो कर लिया भिक्खुणी संघ बना दिया लेकिन ये कहा कि पहले मेरा धर्म बहुत साल चलता लेकिन अब ये 500 साल चलेगा। ये गलत बयानी है क्योंकि अगर ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा होता 500 साल में खत्म हो जाता तो इंडिया से ही क्यों खत्म होता, चीन में क्यों नहीं खत्म हो गया, जापान में क्यों नहीं खत्म हो गया, बर्मा श्रीलंका थाईलैंड यहाँ क्यों नहीं खत्म हो गया, यहाँ तो सतत चलता ही रहा है और तो और भारत में भी तो 1250 साल चला। तो ये एक विरोधियों द्वारा ये रची गई साजिश है। दूसरा कि उस समय जो स्थितियां ऐसी थी समाज की स्थितियां ऐसी थी अगर आप देखें तो लड़कियों के लिए कोई स्कूल भी नहीं था, लड़कियां तो नॉर्मली घर में ही पढ़ती थी। और दूसरा कि जब बुद्ध पूर्णिमा को भगवान बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ फिर आषाढ़ी पूर्णिमा को आए सारनाथ में, वहां पे उन्होंने धम्म चक्र प्रवर्तन किया, उसके बाद 3 महीने वहां वर्षावास बिताया, इन 60 लोगों को धम्म सिखाया। तब तक इन लोगों को रहने कोई जगह नहीं थी, वहीं पे पार्क में रहते थे कुटिया बना के। तो ऐसी स्थितियां नहीं थी कि लेडीज को कहाँ अकोमोडेट करते। बाद में जब ये हुआ, जब ये महाप्रजापति गौतमी और लोगों ने बनना चाहा तो भी उन्होंने नियम बदल के बोला हाँ बिल्कुल भिक्खुड़ी संघ बनना चाहिए जी। फिर उस समय ये था कि एक आदमी एक भिक्खुड़ी एक ही दिशा में जाता था, फिर जब सुबह के साथ में एक हादसा होता है तो भगवान बुद्ध फिर नियम बदल देते हैं कि अब से कोई भिक्खुड़ी अकेले नहीं जाएगी, 2 लोग साथ में जाएंगे। तो ये अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ दैट टाइम ही वाज चेंजिंग द कंडक्ट रूल्स, बिने उसी ढंग से इवॉल्व हो रहा था। नाउ कमिंग टू आज का जो आप मैसेज कह रहे हो, भगवान बुद्ध कहते हैं कि गृहस्थ जीवन में पति और पत्नी दोनों का रोल बराबर है, ये दोनों पति पत्नी बैलगाड़ी के 2 पहियों के समान है, एक पहिया बड़ा होगा दूसरा छोटा हो जाएगा तो बैलगाड़ी उलट जाएगी। इसी तरीके से पति पत्नी दोनों बराबर हैं, कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं, हर पति की जिम्मेदारी है कि पत्नी का सम्मान करे, ना उसका अपमान करे ना अपमान होने दे, और समय समय पर उसको कोई ना कोई गिफ्ट लाके अवश्य देता रहे, अगर सामर्थ्य नहीं है तो फूल ही लाके देता रहे। ये आज उनको रिमाइंड कर दीजिएगा कि कृष्णा जी ने बोला है। इसी तरीके से पत्नी का एक कर्तव्य है कि जो भी पति कमा के लाता है उसकी देखभाल करे और दोनों पक्षों को मायके को भी ससुराल को भी बराबर ट्रीट करे और पति के घर को अपना घर समझे और दोनों मियां बीवी मिलके बच्चों को अच्छे से पालें, उनको अच्छी से शिक्षा दें, उनको बुरी संगत से बचाएं। ये नहीं कि खुद टीवी देख रहे हो बच्चे से करें पढ़ो, खुद तो धारावाहिक सीरियल पे सीरियल देखे जा रहे हो फिर बोलो बच्चों को पढ़ो, ये ऐसा होता नहीं है। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं अच्छे पड़ोसी बनो, भगवान बुद्ध कहते हैं कि मांगने पे देना अच्छा है लेकिन बगैर मांगे देना और भी अच्छा है। ये कोरोना का टाइम है, अगर आपके आसपास कोई ऐसा पड़ोसी रिश्तेदार या मित्र है जो जिसको परेशानी हो रही है तो जितनी भी सामर्थ्य है आप उसको मदद अवश्य करें। और फिर एक गाथा है, भगवान बुद्ध से पूछते हैं कि जैसे तुमने बोला ना संक्षेप में 2 मिनट में कि 2 मिनट में धर्म समझाओ क्या है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं सब पापस ऐकणम कुशलस्य संपदा सचित्त परियोधपणम एतम बुद्धानुशासनम। कोई भी पाप कर्म मत करो, कोई भी पाप कर्म, पाप क्या है जो करने से किसी को क्षति होती है किसी को हानि होती है किसी को दुख होता है पापी पाप है। सब पापस्य कर्णम, कोई भी पाप कर्म मत करो, कुशलस्य उपसंपदा कुशल कर्मों की संपदा अर्जित करो। कुशल क्या है कि जो करने से आपका चित्त साफ होता है, आपको खुशी मिलती है, दूसरों को भी खुशी मिलती है, दूसरों का भला होता है, वो कुशल है। देन सचित्त परियोधपणम, अपने जो चित्त को सारे विकारों से राग से द्वेष से मोह से मुक्त रखो, यही सभी बुद्धों की शिक्षा है। तो जो बंते जो अष्ट सील का बता रहे थे वो बेसिकली यही अपने को सुधारने का एक तरीका है कि दारू मत पियो, हिंसा मत करो, चुगली मत करो, व्यभिचार मत करो, झूठ मत बोलो, और उसके बाद में ये जो एक दिन के लिए मेकअप न करो, ऊंची सैन पे न सो, इससे धीरे 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 छूटने की आदत पड़ती है क्योंकि एक दिन बुढ़ापा आएगा फिर मृत्यु भी आएगी फिर सब कुछ छूटेगा। तो अगर धीरे एक दिन के लिए भी नहीं छूट सकता तो सडनली जब मृत्यु आएगी, मृत्यु को भी बता के नहीं आती किसी को, इवन बुढ़ापे में भी आए तो भी बता के नहीं आती। तो अगर ये थोड़ा 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 छोड़ने की आदत नहीं हम डालेंगे तो
एक साथ एकदम जब छूटेगा तब कैसा लगेगा? बिल्कुल अर्चना जी, बहन चारा के बारे में मुझे संदेश आपसे जानना चाहिए। दो मिनट की बात है तो मैं अपनी बात को कम शब्दों में बताना चाहूंगी कि सर्वप्रथम तो बुद्ध का धर्म जो है वो सभी तरफ तेजी से फैल रहा है। आप जानती हैं इस बारे में कि बुद्ध ने कहा है कि उनका जो धर्म है, बाबा साहब ने ये पता भी लगाया कि वो जो प्रारंभ में भी मनुष्य का कल्याण करता है, मध्य में भी और अंत में भी। और आप देख भी रही हो कि अभी जो वर्तमान परिस्थिति है भारत की, भारत के प्रधानमंत्री देश में रहते हुए तो बौद्ध धर्म को नहीं मानते, लेकिन जब विदेश में जाते हैं या यहाँ के जो वर्तमान सरकार के जो भी मंत्री हैं वो सब भी बाहर जाते हैं तो त्रिपिटक ले जाते हैं या बुद्धनिष्ठ धम्मा और दूसरी किताबें जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं वो सब लेके जाते हैं। और बाहर जाकर क्योंकि भारत की जो इमेज है वो बाहर विदेशों में एक बुद्ध की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है कि ये बुद्ध की भूमि है, और उसी से वो वहां पर अपने अपने लिए एक अच्छा रहने रहन सहन या ये सब दिखाते हैं कि हम देखिए ऐसे देश से आए हैं जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ और बौद्ध धर्म का सब लोग पालन करते हैं। लेकिन वर्तमान में जैसा हम यहाँ रहते हैं, जो यहाँ के नागरिक हैं वो ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं कि इस देश में जो वर्तमान सरकार है या दूसरे कुछ ऐसे लोग हैं वो बौद्ध धर्म का पालन नहीं करते हैं। और जिसका सबसे बड़ा कारण ये है, बौद्ध धर्म में एक शब्द है संतुष्टि, जो शब्द है संतुष्टि का मतलब ये है कि आपको अपने अंदर एक ऐसे सेटिस्फेक्शन की भावना को लाना चाहिए कि मेरे पास जो है वो मेरे लिए पर्याप्त है, अगर मैं और लाओ और चाहिए ये इस भावना में रहूंगी तो वो कभी भी संतुष्टि का भाव नहीं आएगा और हम इस प्रकार दूसरों के अधिकारों का भी हनन करते जाएंगे। हमें जो मेरे लिए पर्याप्त है, मेरे जीवन भर काम में जितनी चीजें आ सकती हैं वो मैं उतना मैं कमाऊं, उतना इकट्ठा करूं, उतना अपने पास रखूं, उतना तो काफी है। लेकिन अगर मैं किसी दूसरे के उसके हिस्से का खाना भी छीनूं, उसके हिस्से का धन संपत्ति छीनूं, उसके और दूसरी चीजें जो वो यूज कर सकता करके एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है वो सभी मैं लेती रहूं तो ये बौद्ध धर्म नहीं है। बुद्ध का धर्म जो है यही सिखाता है कि हमें लालच का भाव नहीं लाना चाहिए अपने अंदर। लालच आता है तभी द्वेष भावना आती है और फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, जहाँ जैसे आप कह रही हैं कि भाईचारे की तरह एक बहनचारा के विषय में कुछ बताइए। बहनचारा भी यही बताता है कि हमें सभी के कल्याण के लिए सोचना है, ना कि सिर्फ मैं तो है ही नहीं, मैं बौद्ध धर्म में नहीं है। हमें हम की भावना को डेवलप करना है और उसी को आगे लेके जाएंगे तभी हम इस देश को एक अच्छा रहने योग्य और भी ज्यादा बना पाएंगे। क्योंकि हमें एक चीज और ध्यान में देनी है कि मेरे बाद मेरे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या हम छोड़ के जा रहे हैं, क्या हम यहाँ उतना पर्याप्त पानी है या उतने पेड़ पौधे बचेंगे या प्रकृति उतनी अच्छी बचेगी जो जैसी आज है, क्या यहाँ पर यहाँ की हवा जो है वो सांस लेने योग्य बचेगी। ये हमें आज अपने लिए ही नहीं आने वाली पीढ़ी को भी उसके लिए भी कुछ छोड़ना है, कुछ देना है, उसकी तैयारी आज से ही करनी है। यही है बौद्ध धर्म। करुणा बोधी आप क्या कहना चाहेंगे आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर? मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि भगवान बुद्ध का जो संदेश था सभी के लिए मंगल मैत्री का और सभी के लिए समानता का, तो मैं इतना ही कहेंगे कि आज जैसे पूर्णिमा है तो हम सभी के लिए मंगल कामना करते हैं, पूरा भिक्षु संघ सभी दिशाओं दिशाओं के जीवों के लिए, पूरे बस के लोगों के लिए, जो आज महामारी भी फैली हुई है तो उसके बाहर निकलने के लिए हम मंगल कामना करते हैं सभी जीवों के लिए, सब मनुष्यों के लिए। तो मैं ज्यादा नहीं, सभी कल्याण के लिए पाठ करते हैं, सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं। सभी का बहुत बहुत आभार, आप सब ने अपना कीमती समय आज के दिन बुद्ध पूर्णिमा के कौशल जी इसको बढ़ाना था थोड़ा और जी, इसको थोड़ा और अगर आगे बढ़ा दे तो अच्छा था, क्योंकि वो और बहुत सारी बातें कर सकते थे जी। नहीं, मैं खुद भी जानना चाहती थी, मैं प्रश्न छोड़ रही हूँ बल्कि आप लोगों के लिए, आनंद जी के लिए, ये मैं जानना चाहती थी, मेरे ऑडियंस भी
आपसे बल्कि सुनना चाह रही थी, लेकिन मेरा मेरी समय सीमा है। हम चाहते थे कि भगवान क्यों कहा जाता है, ये एक प्रश्न मेरे सामने। हाँ, देखिए मैं एक सेकंड लूं, मैं आपका समय हो चुका है, मुझे स्टॉप करना पड़ेगा यहीं पे। ब्रॉडकास्टिंग लगातार मुझे इशारा कर रहा है कि आपका टाइम हो चुका है। बहुत आभार सर, हम जल्दी ही मिलेंगे सर। प्रोफेसर धर्मपाल सर, आपसे मैं अलग से भी मुलाकात करूंगी इसके ऊपर जल्दी। बहुत सब मंगल जी, तमाम मेरे सुखी हो, सबने इतना महत्वपूर्ण समय मुझे दिया, इसके लिए बहुत 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 आपकी मेरे मुझे मंगल कामनाएं मिले, तमाम समाज को भिक्षु संघ की, और अर्चना जी, प्रोफेसर धर्मपाल जी, कृष्णानंद जी, सबका बहुत आपका भी धन्यवाद। थैंक यू, आपको भी बहुत, मुझे भी बहुत खुशी हुई आज आप सब लोगों से जुड़ के। जी धन्यवाद।